हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तुली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ खास लाने की कोशिश करती हूँ और ये भी कोशिश करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से हो सके तो आप लोगों का कुछ अच्छा हो, जिस कारण से नई नई खोज, नई नई रिव्यूज, नई नई अच्छी अच्छी टिप्स मैं लाने की आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ। लेकिन आज का जो विषय है ये सच में एक रिव्यू है, मैं वही रिव्यू के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और अगर जुड़े हुए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं। कुछ डेढ़ महीने पहले की बात है, मैं मेरी जान पहचान की लड़की थी, वो मुझे मिली थी तो मैंने उसे अपने चैनल से सब्सक्राइब करवाया था, ठीक है। उसके बाद से वो रेगुलरली मेरे चैनल को वो देख रही थी। अब एक दिन उसने मुझे अपनी समस्या कॉल करके बताई कि मैं आपके चैनल को देख रही हूँ, तो क्या ये क्लीम मंत्र सच में काम करता है, क्या ये मेरे प्रॉब्लम के साथ भी काम करेगा। तो मैं, हालांकि मैं उसे कभी कभार ही मिलती थी, तो मुझे उसके लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है ये मुझे सच में नहीं पता था और ये शायद जनरली किसी को पता होता भी नहीं है, क्योंकि हम ऊपर से ही मिलते हैं एंड एक फेस पे स्माइल देते हैं, हाय हेलो कहते हैं, फिर हम चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे जब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताई तो मैंने जानना चाहा कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो और क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, कम से कम वो खुल के बताओ तो मैं तुमको ये बता सकती हूँ कि क्लीम मंत्र अब तुम पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसकी सिचुएशन मैं बताती हूँ। उसकी सिचुएशन फ्रॉम द डे वन ऑफ हर मैरिज, वो अपने लाइफ में वो पहला दिन से वो नरक का जीवन जी रही थी। उसने मुझे बताया कि उसके घर में इतना बुरा सलूक होता था उसके साथ कि मानो जैसे घर के काम वालों के साथ भी हम लोग शायद वैसा बिहेव नहीं करते हैं, उससे भी बदतर उसके साथ बिहेव की जाती थी। घर में अचानक गेस्ट आ जाते थे, घर में अचानक कोई रिलेटिव आ जाते थे, करीब 30-35 लोग, तो उनके लिए उन लोगों का खाना, उन लोगों का बर्तन, या कभी कभी हो जाता है तो उनके बच्चों के कपड़े से लेकर, मतलब आप सोच सकते हैं कि जनरल लाइफ में इतना काम कोई इंसान नहीं कर सकता है, तो उसको ये सब काम करने पड़ते थे। उसके बावजूद भी उसे ये सारी बातें सुननी पड़ती थी कि तुम कोई काम की नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, तुम घर से कुछ दहेज नहीं लेकर आई थी, तुम्हारा हक नहीं बनता है कि तुम आराम की जिंदगी जियो, ये सब ब्ला 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 इसके लाइफ में चल रहा था। वो तो चल ही रहा था साइड में, साथ में क्या हो रहा था कि उसके हस्बैंड के साथ उसकी नहीं बन रही थी, बिकॉज वो जब भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी अपने हस्बैंड के साथ तो उसका हस्बैंड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उल्टे उसी से और झगड़ा होता था, और झगड़ा होने की वजह से क्या होता था कि हाथापाई की नौबत आ जाती थी। तो ये सारी बातें उसने जब मुझसे बताई तो आप बिलीव कीजिए, आज के जमाने में ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है, बहुत लड़कियों के साथ होता है, तो मुझे सुनकर काफी खराब लगा। तो उसने तभी मुझसे पूछा कि दीदी क्या ये क्लीम मंत्र ऐसे सिचुएशन में भी काम करेगा, क्योंकि ये तो उसकी शादी को शायद 7 या 8 साल हो गए हैं, तो बोलिए कि ये क्या उस चीज को, यानी मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है जो 7-8 साल से चली आ रही है, तो क्या ये खत्म कर सकेगा। मैंने जनरली उससे कहा कि देखो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, पर हाँ, क्लीम मंत्र बहुत मिराकुलस है, ये बहुत जल्दी चमत्कार करता है, ये बहुत जल्दी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाता है, ऐसे प्रॉब्लम्स भी कह लीजिए, इतने प्रॉब्लम्स जो कि क्योरेबल नहीं थे वो प्रॉब्लम्स भी क्योर कर रहा है ये मंत्र, इतना पावरफुल है। तो मैंने उससे कहा कि तुम सिंपली अगर कभी कोई काम कर रही हो या फिर रास्ते पे हो या फिर सोई हुई हो, लेटी हुई हो, तो तुम क्लीम 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 कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें पूजा कर रही हो, एक स्पेशल टाइम को लेकर तुम पूजा करने बैठी हो, तो यू कैन डू ऑल्सो कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो मैंने ये दोनों मंत्र ही कहा उसे करने को। तो उसने क्या किया कि मैं आप लोगों से भी एक क्लेरिफिकेशन कर दे रही हूँ कि आप दोनों मंत्र कर सकते हैं, दोनों का सेम रिजल्ट है, ठीक है। एक में हम सिर्फ बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं जो डायरेक्टली कृष्णा जी का
बीज मंत्र है और एक मंत्र में हम बीज मंत्र के साथ कृष्ण का नाम भी हम जोड़ रहे हैं, तो हम लोग दोनों को ही कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों से भी क्लियर कर दी। बहुत कोई पूछते हैं और मैंने ये दोनों मंत्रों के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी शायद देखे नहीं होंगे इसलिए पूछते हैं। तो मैंने आज के वीडियो में भी ये मतलब क्लियर कर दिया है कि आप दोनों मंत्र को कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में इसका कोई टाइमिंग अगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। कृष्ण का नाम आप कभी भी जप सकते हैं, क्लीम मंत्र को आप कभी भी जप सकते हैं, इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है मेरे हिसाब से, दूसरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, और आज जिसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, तो मैंने उसको बताया कि तुम भाई इस तरीके से करो और जब जब तुम्हें टाइम मिला तुम कृष्णा जी का नाम लो, कृष्ण भगवान का नाम लो, क्लीम मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और सिर्फ क्लीम क्लीम जब भी तुम टाइम ना मिले या फिर पीरियड्स के उन दिनों में तुम बैठ के पूजा तो भगवान को कर नहीं सकती हो, तो उस समय तुम मन ही मन तुम ये मंत्र कर सकती हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने मैं उसे बताकर मैं भूल गई थी, मैं अपने काम में इतनी बिजी थी कि मैं भूल गई थी कि उससे पूछना चाहिए था मुझे कि अभी कैसी हो क्या हो, पर मैं अपने कामों में इतनी बिजी थी कि मैं भूल गई थी। ये कुछ दिनों पहले की बात है कि जब मैं घूमकर आई तो उसका कॉल आया मेरे को, तो उसने बोला कि सबसे पहले उसने मुझे फोन उठाते ही बोला दीदी थैंक यू, तो मैं तो शॉक्ड रह गई, मैंने बोला थैंक यू किस बात की थैंक यू बोल रही है, तो बोली कि दीदी मैंने आपके चैनल में जो मंत्र देखा था उसके बाद आपसे मैंने इस बात की क्लेरिफिकेशन ली थी कि मेरे इस प्रॉब्लम में ये मंत्र काम करेगा कि नहीं, आपने बोला था कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, तुम करके देखो, हो सकता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस तुमको इनिशियली ना दिखे लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तुम्हें दिख जाएगा। तो उसने बोला कि स्टार्टिंग जब उसने किया था तो उसी के एक हफ्ते के बाद से उसे ये रिजल्ट आने लगा कि उसके हस्बैंड उसके प्रति थोड़ा नरम व्यवहार करने लगे थे, तो वो फर्स्ट इसमें चेंजेस था कि हस्बैंड का नरम व्यवहार। ठीक है, दूसरा चेंजेस उसने नोटिस किया था कि उसके ससुराल में उसकी सास के साथ बहुत अनबन थी, जो कि धीरे 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 वो जो कहते हैं ना कि वो कड़वापन धीरे 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 मिठास में बदल रहा था, और तीसरा उसने नोटिस किया कि उसमें वो एनर्जी और वो फुर्ती आने लगी थी जो एक लड़कियों में होती है खुद को सजाने की, या फिर लड़कों में भी ये चीज होती है खुद को सजाने की, खुद को खूबसूरत दिखने की, खुद का टाइम मैनेज करने की, ये सारी चेंजेस उसके अंदर आ रही थी। तब जब उसको ये चेंजेस आई तो वो सातवें दिन में ये सारी चेंजेस धीरे 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 उसके साथ हो रही थी। डेढ़ महीने के बाद उसने मुझे कॉल किया, तब उसने मुझे ये रिजल्ट दिया कि दीदी मैं अभी पहले से बहुत ज्यादा बेटर हूं, और इतनी बेटर हूं कि शायद अब लगती है कि सारी सिचुएशन अब धीरे धीरे मैं घर की कंट्रोल कर रही हूं। तो ये सुनने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि देखिए एक हस्बैंड को एक अच्छी वाइफ चाहिए, एक वाइफ को एक अच्छा हस्बैंड चाहिए। ठीक है, और साथ में ही हस्बैंड के माँ बाप उसके माँ बाप जैसे ही होते हैं, इसलिए एक बहू को बहू नहीं बेटी की तरह देखा जाए तो उस घर में स्वर्ग होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन ये क्लीम मंत्र इतना जादुई था कि ये उसके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस लाना शुरू किया है। अभी तो फिलहाल वो मुझे यही सारी चीजें बताई हैं कि ये सारी चीजें उसके साथ अभी हो रही है, काफी बेटर है पहले के ये सब, वरना पहले तो उसने मुझे कहा था कि हर दूसरे या तीसरे दिन उसके घर में सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई होती थी, जिस कारण से उन लोगों के रिश्ते में काफी कड़वापन आ गया था। ये मैं आपको कैसे बताऊं, ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई। तो इस तरह के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, मेरे चैनल के जरिए और भी बहुत क्लीम पर बहुत सारी वीडियोस बनती है, आप उन लोगों को भी देख सकते हैं। सारे एक ही बात कहते हैं कि क्लीम बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी मंत्र है,
और इसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट और सुना देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये रिसेंटली। आपको सुन के हंसी आएगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं दार्जिलिंग में थी ना, तो हमारा हमेशा टूर होता था एक पैकेज टूर पे। आप जब भी दार्जिलिंग जाएंगे तो एक पैकेज टूर के ऊपर में आपका टूर बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि सोचिए, मुझे आज जाना है और मैंने बीती रात को मैल में जाके एक ड्राइवर से मैंने फाइनल बात कर लिया, भाई 5000 का टूर है, आप हमें ये पॉइंट को घुमाएंगे और फिर चले आएंगे। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, पर मैं बहुत ज्यादा नहीं घुमा सकूंगा, ये पॉइंट नहीं दिखा दूंगा, इतने पैसे में इतना ही होगा, ये सब बोला। तो लेकिन बोला कि टूर कैंसिल नहीं करना है। तो उसका बिहेवियर हमें बहुत रूड लगा था, लेकिन उस वक्त हम चले आए थे। और जब उसके एक दिन पहले जब एक और ड्राइवर से हमने टूर की बात की, वो ड्राइवर काफी अच्छा था, लेकिन वो मतलब उससे हमारी इस पैकेज की बात नहीं हुई थी। तो फिर हमने डिसाइड किया, वो हमारे होटल हमसे मिलने आया था स्पेशली, क्योंकि हम लोग अच्छे लगे थे उसको, तो वो स्पेशली मिलने आए थे। और आके फिर बोला कि मैम नेक्स्ट कब आपको टूर करना है आप बताओ। तो हमने ऐसे ही जस्ट पूछने के लिए बताया कि इतने सारे पॉइंट्स अगर हम कवर करेंगे तो आप कितना लोगे। तो उसने बोला था वो 5000 लेगा, इसने बोला ये 4000 लेगा। तो ऑब्वियस है ना कि हमें 4000 वाले पे ही जाना था। तो और हालांकि ये ड्राइवर बहुत ही अच्छा था, अब क्या करें, अब तो टेंशन में पड़ गया कि उससे तो बात पक्की हो गई है और अब ये भी आ जाएंगे। तो हमने इनको बोला कि ठीक है भैया, आपके साथ ही चलेंगे और उस लड़के को हम कैंसिल कर देंगे। अब बात तो ही बातों में हमने उस लड़के को कैंसिल करना भूल गया, ठीक है, और इनको कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन हम जाने वाले थे, वो 10 बजे के लगभग की बात है, अचानक हमें याद आया कि यार हमें तो उस ड्राइवर को मना करना है, और अब मना करेंगे तो वो तो बहुत झगड़ा करेगा, यही सब हम सोच रहे थे। तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, आने दो दोनों को, फिर सुलह कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, पर मुझे तो अंदर से काफी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या सिचुएशन, एक ऑकवर्ड सिचुएशन खड़ी हो जाएगी सामने में। तो फिर मैं रेडी वेडी होके, अचानक रिसेप्शन से कॉल आता है हमारे रूम में कि सर आपके ड्राइवर आ चुके हैं। अब तो हम तो सोचने लगे ये कौन वाला ड्राइवर आया। तो उसने अपना नाम कुछ राहुल बताया, तो क्योंकि हमारे ड्राइवर का नाम कुछ और था जिसको हम लोग अच्छा लगता था वो, और जो नया ड्राइवर था उसका नाम शायद कुछ और था, लेकिन राहुल नहीं था। लेकिन जब रिसेप्शन से कहा गया कि राहुल नाम का कोई ड्राइवर है आप लोगों के पास आ गया, तो सच मानिए हम लोग दोनों ही हस्बैंड और वाइफ की बहुत डर लग गया था। तो मैंने हस्बैंड से बोला देखो जाओ, जाके थोड़ा समझाना वमझाना हो तो तुम समझा देना, और हो सके तो हाथ में कुछ पैसे दे देना तो वो चला जाएगा। अब 10 मिनट तक तो मैं रूम के अंदर हूँ, मैं तो बाहर जा ही नहीं रही हूँ डर के मारे कि पता नहीं क्या सिचुएशन है, क्या ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, और हो सकता है कि 10 बजे का टाइम है तो दोनों ड्राइवर ही आ गए होंगे। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा बाहर कोशिश की सुनने की कि क्या बात हो रही है, बिकॉज हमारा रूम थोड़ा रिसेप्शन से दूर में था। तो मैं सुन रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की आवाज तो आ रही है, वो बात कर रहे हैं या किसी से झगड़ा हो रही है ये मुझे नहीं पता, पर आवाज काफी लाउड थी और वो आ रही थी। अब तो मुझे इतना डर लग गया कि जरूर दोनों ड्राइवर के बीच में झगड़ा हो रहा होगा और मेरे हस्बैंड बीच में पड़ के उनके साथ भी हो रहा होगा। तो मुझे तो डर के मारे मेरी हालत खराब थी, और मैं घर में अपने रूम में बैठकर ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करने लगे डर के मारे। अब जब 10 मिनट बीत गया, मेरा तो मंत्र जाप हो चुका था, फिर भी मैं भगवान कृष्ण जी को मैं बुलाए जा रही हूँ। मैं बोले भगवान ये सिचुएशन मत आने देना मेरे लाइफ में, मत कुछ खराब करना। तो फिर तब तक 10 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड रूम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते के साथ ही मैंने उनका पहले चेहरा देखा कि सब ठीक तो है, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कुछ ज्यादा झगड़ा वगड़ा हो गया क्या। उन्होंने झगड़ा कैसा झगड़ा और क्यों झगड़ा। मैंने बोला नहीं, शायद दोनों ड्राइवर आ गए होंगे आपके और दोनों के बीच में झगड़ा लग गया होगा, तो उसमें आपको भी पड़ना पड़ा होगा। तो बोले नहीं, हमने जिस ड्राइवर को जिसके साथ हमारा जाना कन्फर्म था वही आया है, और तो कोई आया नहीं है, मैं तो उसी से बात कर रहा था, वो सारे दार्जिलिंग के बारे में बताया था, मैं उसी बारे में बात कर रहा था। दस
बचकर 15 मिनट हो गए, फिर भी वो ड्राइवर जिससे 5000 वाली बात हुई थी वो नहीं आया। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं कि हमें जो ड्राइवर अच्छा लग रहा है उसी के साथ जाना, और कम से कम अब तो निकल जाएंगे तो वो आएगा नहीं। तो इतने बैड सिचुएशन में भी आप सोचिए ये कृष्णा का क्लीम मंत्र जो है इतना सुंदर से काम किया ना कि मुझे तो मेरे कृष्णा जी, मेरे क्लीम मंत्र जो है ना ये हर एक सिचुएशन में काम करता है। और सच मानिए वो जर्नी, वो टूर हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत शांति से घूमे। आकर हम लोगों ने रिसेप्शन में भी पूछा कि सर कोई आया था क्या हमारे को ड्राइवर, तो बोले नहीं कोई तो आया नहीं था। मतलब आप सोचो इतने ऑकवर्ड सिचुएशन से हम लोग निकल चुके थे। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फिर से हुआ, ऐसा तो होते ही रहता है, लेकिन क्या बताओ ये थोड़ा मजेदार था इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो आप सब दोस्तों, आपने पहला रिव्यू सुना, मेरा रिव्यू सुना, काफी वीडियोस देखे हैं, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लीम मंत्र सच में बहुत चमत्कारी है। इसका अगर सारे चमत्कार मैं बताना शुरू करूं अपने लाइफ में तो मैंने पहले ही बोला है कि शायद मेरी वीडियो खत्म ना हो। तो आप लोग सब हमेशा क्लीम मंत्र का जाप कीजिए, प्यार से रहिए और विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास के ही ऊपर सब कुछ काम करता है। आप विश्वास करके क्लीम मंत्र का जाप कीजिए, आपकी जिंदगी में बदलाव आना ही आना है, चाहे वो जल्दी आए या थोड़ी देर में आए, मगर आएगा जरूर। तो थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। क्लीम मंत्र बहुत चमत्कारी है, वो बहुत अच्छा मंत्र है, और इतना अच्छा मंत्र है कि ये आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ा देता है, आपकी जिंदगी में वो सारी दुख को, निराशा को वो दूर करता है जो चीज के भागी आप नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ यूं ही बने रहिए, यूं ही प्यार दिखाइए, और मेरी जर्नी के साथ आप सब मेरे साथ चलिए। थैंक यू दोस्तों, अच्छे रहिएगा, टेक केयर, थैंक यू।